अज़ीज़ान मोहतरम, नमाज की बहुत अहमियत है। जैसे कि मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि नमाज की इतनी अहमियत है, लेकिन हम सब लोग नमाज से गाफिल हैं। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नमाज को बिल्कुल अहमियत नहीं देते। हम अपनी जिस्मानी ग़िज़ा को पूरा करने के लिए 3 वक्त खाना खाते हैं, लेकिन अपनी रूह की ग़िज़ा को पूरा करने के लिए हम नमाज नहीं पढ़ते। नमाज रूह की ग़िज़ा है। खुदावंद ताला से राबते को मजबूत करने का नाम नमाज है, लेकिन हम उसको अहमियत नहीं देते। आज मैं गुफ्तगू करने वाला हूँ नमाज जमात की फजीलत क्या है। अहादीस में मिलता है कि जो शख्स नमाज नमाज जमात के साथ अदा करता है, उसकी इतनी फजीलत है कि उसको 27 नमाजों का सवाब मिलता है। अज़ीज़ान मोहतरम, अहादीस में यहाँ तक मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जानबूझकर नमाज जमात के साथ ना पढ़े, उसकी नमाज काबिले कबूल नहीं है, उसकी नमाज बातिल है। एक मरतबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे 3 चीज़ें मेरी ख्वाहिश है, कोई ला कर दे, एक लकड़ियाँ ला कर दे, दूसरा कोई आज़ान दे और मैं बाजमात नमाज अदा करूं, और उन लकड़ियों से उन लोगों के घर में आग लगा दूं जो जमात के लिए मस्जिद में नहीं आते। जब एक मरतबा एक कबीला नमाज पढ़ने की गर्ज से मदीने के एतराफ़ में अपने कबाइल को बसा लिया, तो रसूल अल्लाह ने कहा कि क्या तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हें नमाज जमात का ज़्यादा सवाब मिले, यानी नमाज जमात के लिए अगर आप काफ़ी दूर से भी चल के आते हैं तो आपके लिए सवाब है। और अज़ीज़ान मोहतरम, अगर हम कुरान मजीद में देखें तो कुरान मजीद में भी हमें नमाज जमात का हुक्म मिलता है। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाकीमुस्सलात वआतुर्ज़कात वरकऊ मअर्राकीन, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। जब हम नमाज का आखिर करते हैं, इख्तिताम करते हैं, तो उसमें भी हम अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस्सालिहीन, वहाँ पर भी जमा का सीगा इस्तेमाल करते हैं। और अगर अलहमद शरीफ में देखा जाए तो एहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ूबी अलैहिम वलद्दालीन में भी जमा के सीगे इस्तेमाल किए गए हैं। यानी नमाज जमात की इतनी अहमियत है कि जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं तब भी हमें ये हुक्म है कि हम दूसरों का ख्याल रखें। हम उसमें भी अपनी दुआओं में दूसरों को शामिल कर रहे होते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नमाज की अहमियत को समझें और नमाज पढ़ें और बाजमात अदा करें, क्योंकि बाजमात नमाज अदा करने की बहुत फजीलत है। अज़ीज़ान मोहतरम, अहादीस में तो यहाँ तक मिलता है कि जो नमाज इशा बाजमात अदा करता है तो उसे निसफ शब का सवाब मिलता है, और जो नमाज इशा के साथ साथ नमाज फजर भी बाजमात अदा करता है तो उसे पूरी रात का सवाब मिलता है। तो इतनी फजीलत वाली